नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, आप देख समाज जागरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल उठता है कि जिस पार्टी के नेता यह कहकर जनता को संबोधित करता हो कि केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार है, इसके हजारों फॉलोअर हैं, तो यह भी बता देना चाहिए कि ईडी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या फिर उस विचार को जिसे 9 बार सम्मन भेजा गया था, उस विचार को जिसका नाम शराब घोटाले में है, या फिर उस व्यक्ति को जो कि राजनीतिक को साफ करने के करते करते स्वयं ही राजनीतिक में गंदा हो गया है। नौकरी छोड़ आंदोलनजीवी बने अरविंद केजरीवाल ने आज जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, आखिर उसका इतिहास क्या है? आंदोलन के मंच से जिस राजनीतिक पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया, उसी के साथ गठबंधन करके यह साबित कर दिया कि आप भी उसी भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने स्टेटमेंट दिया है। इस पर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मैं उनकी बाध्यता समझता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको इस वेदना में बोलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार है। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी तो मुझे लगता है बेहतर होता ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिस दिन अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाएं भी ले रहे थे, सरकारी कोठी भी ले रहे थे, सरकारी गाड़ी भी ले रहे थे, सरकारी सुरक्षा भी ले रहे थे, क्योंकि कसम तो अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि नहीं लूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलिशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था, जहां दिल्ली के टैक्स पेयर का 52 से 75 करोड़ रुपया अनाप शनाप रूप में खर्च किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जब दिल्ली के युवाओं के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी जा रही थी, उसको रोकने के लिए भी की जा सकती थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी कि जब इस पूरे शराब घोटाले के 100 करोड़ों का लेन देन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। अगर ये सब बातें उस समय कही गई होती तो मुझे लगता है आज ये दिन नहीं आता। हालांकि आज के दिन कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ में खड़ी नजर आ रही है, तमाम नेता आज प्रदर्शन में शामिल थे, प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, आरोप आप लोगों पर कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है कि डेमोक्रेसी को आप लोगों ने खत्म कर दिया है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। अगर वो सिटिंग मुख्यमंत्री निर्लज है, बेशर्म है और अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी? और जिस शराब घोटाले में इतना बड़ा पैसे का खेल खेला गया हो, 2022 से उसकी जांच चल रही थी, लगातार ट्रायल हो रहे थे, उनके मंत्री जेल में, उनके सांसद जेल में, इनको समझ में नहीं आ रहा था कांग्रेस वालों को, तब तो ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस पूरे घोटाले की सबसे पहली शिकायत तो खुद कांग्रेस नेता अजय माकन ने की थी, तो आज कांग्रेस वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? यही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को और सोनिया गांधी को गाली देते थे, आज राहुल गांधी उनकी गोद में जाके बैठ गए। दिक्कत क्या है कि दोनों भ्रष्टाचारी लोग हैं, दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुनावी नैया पार करना चाहते हैं जो देश की जनता होने नहीं देगी। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने से के इनकार को लेकर देश भर के लोकल तथा नेशनल अखबार में कहीं न कहीं सुर्खियों में है, तो कहीं न कहीं मुख्य पृष्ठ पे जगह दिए गए हैं। जिला गौतम बुद्ध नगर से छपने वाले अखबार ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को जेल भेजने की चेतावनी को मुख्य खबर बनाया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता के द्वारा गिरफ्तारी को जायज ठहराने को लेकर दिए गए बयान को भी मुख्य पृष्ठ के बॉक्स में प्रकाशित किया गया। अन्ना हजारे के द्वारा यह कहा जाना कि यह गिरफ्तारी केजरीवाल के कर्मों का फल है को भी मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया गया है। मिर्जापुर से प्रकाशित स्टैंडर्ड न्यूज ने केजरीवाल शराब नीति केस में सरगना ईडी को न्यूज एजेंसी के हवाले से मुख्य पृष्ठ को के बॉटम में प्रकाशित किया है। अखबार ने केजरीवाल के उस बयान को भी सब हेडिंग बनाया है जिसमें कहा गया कि मेरा जीवन देश के लिए है। वहीं इंदौर से प्रकाशित राजवाड़ा दर्पण ने केजरीवाल को 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड में भेजे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं जर्मनी के द्वारा केजरीवाल के मामले में टिप्पणी को लेकर भड़क उठा भारत दूत को विदेश मंत्रालय में बुलाकर खूब सुनाया को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। अखबार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्नी सुनीता केजरीवाल के उस बयान को भी प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया कि मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में 3 बार चुने हुए
मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया। प्रयागराज टाइम ने मुख्य पेज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के कुर्सी पर उनके पत्नी की तस्वीर को प्रकाशित करते हुए शीर्षक बनाया है, ऐसी सलाखें नहीं जो मुझे ज्यादा दिन अंदर रख सके। दिल्ली सीएम के कुर्सी पर बैठी उनकी पत्नी को सब हेडिंग बनाया गया है। गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित अखबार वर्तमान सत्ता ने अपने संपादकीय अंक में प्रकाशित किया है, क्या असर पड़ेगा आगामी चुनाव पर नामक शीर्षक से एक संपादकीय लिखा गया है। प्रकाशित लेख में राजकुमार भाटिया लिखते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले अरविंद केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था और ऐसा कल्पना नहीं की जा सकती। आज उनके धूल विरोधी लोग भी उनके साथ में खड़े हैं। बताते चले कि कल तक जो केजरीवाल धूल विरोधी हुआ करते थे, वह भी इस चुनावी मौसम में केजरीवाल के साथ खड़े हैं। जिस पार्टी को केजरीवाल ने स्वयं सबसे भ्रष्टाचारी बताया, आज वही पार्टी केजरीवाल के साथ खड़ी है। सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां कोर्ट से भी बड़ी हो गई है? माना कि जो पार्टी सत्ता में है वही सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है और करती रही है, जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता कहकर फटकार लगाया। उस समय सरकार कांग्रेस की थी और मामला कोयला घोटाले की थी। किसी नेता पर सरकारी तंत्र के द्वारा एक्शन लेना असंवैधानिक कैसे हो जाता है? देश में सालों भर चुनाव चलते रहते हैं, इसका मतलब कि सरकारी तंत्र काम ना करे। पुलिस सीबीआई ईडी को नेताओं के भैंस ढूंढने के लिए छोड़ दिया दें या फिर इस डिपार्टमेंट को समाप्त कर देना चाहिए, जिससे नेताओं को तकलीफ होते हैं। नेताओं के तकलीफ होते ही आम जनता के तकलीफें बढ़ जाती हैं। जनता के सेवक कहने वाली राजनीतिक पार्टियों के तथाकथित कार्यकर्ता कभी सड़क जाम करते हैं तो कभी रेल, इसके कारण उसी जनता को नुकसान उठानी पड़ती है जिससे वोट लेकर यह लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश और उस पर गिरफ्तारी को किसी पार्टी या सरकार के द्वारा बदले की कार्रवाई को बताकर विरोध प्रदर्शन करना अदालत का अपमानना नहीं है? क्या अदालत को इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी फैसला नहीं देनी चाहिए?